हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने देख लिया था ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है ना, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग साथ में रखते हैं, एक हॉट एंड कोल्ड, तो हॉट ऑब्जेक्ट बिकम्स कोल्ड एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम्स हॉट। जब तक कि उनका दोनों का टेम्परेचर सेम ना आ जाए तब तक ये हॉट टू कोल्ड हीट एनर्जी ट्रांसफर होते रहता है ना, राइट। तो ये पहले आप जाके वो पोहे वाला वीडियो देख लो, है ना। पोहे क्या था याद है ना, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। उसके बाद ही आपको आज वाला सेशन जो है समझ में आएगा कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक हीट को जान सकते हैं बाय मिक्सिंग मेथड एंड यूजिंग अ कैलोरी मीटर। सो कैलोरी मीटर पहले क्या होता है, हम लोग ने बचपन में ऑलरेडी देखा हुआ है। देखो आपको कुछ याद आएगा शायद से बचपन की यादें। सो एक बेस है और उसके ऊपर एक कॉपर का वेसल है। अब ये कॉपर के वेसल का टेम्परेचर क्या है, इसके लिए हम लोग के पास है एक थर्मामीटर, हमारे पास है एक स्टरर और इंसुलेशन। क्या होता है इंसुलेशन? इंसुलेशन हो सकता है कुछ भी ऐसा मटेरियल जिसके वजह से हीट एनर्जी जो है बाहर के अंदर और अंदर के बाहर ना जाए, ठीक है। सो ये हमारे पास है इंसुलेशन, ये हमारे पास है कॉपर का कैलोरी मीटर, स्टरर और थर्मामीटर। स्टरर क्यों चाहिए? स्टरर हमें इसके लिए चाहिए ताकि हमको, अच्छा हम लोग को ये तो पता है कि वाटर को जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स का पानी लेंगे तो गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, ठंडा पानी नीचे रहेगा। सो फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर हम लोग पानी रखने वाले, ओके, तो उस पानी का टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, है ना। नहीं तो थर्मामीटर के टिप पे टेम्परेचर अलग बताएगा जबकि ऊपर टेम्परेचर अलग होगा। सो दैट्स व्हाई वी कीप ऑन स्टरिंग द थिंग्स। तो कैसे मेजर करें हम लोग स्पेसिफिक हीट को किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना। चलो सीखते हैं। अच्छा ये तो हमको पता है कि हीट एनर्जी लॉस्ट और हीट एनर्जी गेन्ड, ये पुराना वाला फंडा है ना, ओके। हीट लॉस्ट और गेंड का क्या फॉर्मूला है पता है ना आपको, m मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंटू सी स्पेसिफिक हीट उसका इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना, राइट। ये लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, c क्या है स्पेसिफिक हीट और m क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। सो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट को हीट करने वाले हैं, राइट। तो सपोज हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट पता लगाना है, ओके। इसका मास हमको पता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टी वन इसका स्टार्टिंग का टेम्परेचर है जब हम लोग इसको डालेंगे, सी ओ स्पेसिफिक हीट है उस ऑब्जेक्ट का। एंड सपोज ये टी वन से टी टू चला गया, राइट। जैसे ही हम लोग ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डालेंगे, सोचो एकदम गर्म और गर्म गर्म ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल टेम्परेचर है टी वन, ओके। जैसे ही एक गर्म ऑब्जेक्ट को इसमें डालेंगे, सोचो, ओके, ये है ऑब्जेक्ट अपना। जैसे ही गर्म ऑब्जेक्ट को इसमें डालेंगे तो हीट ट्रांसफर होगा, है ना। अब पानी का भी तो कुछ टेम्परेचर होगा, कैलोरी मीटर का भी कुछ टेम्परेचर होगा, तो वो भी नोट कर लेते हैं हम लोग। सपोज मास ऑफ वाटर कैलकुलेटेड है एम डब्ल्यू, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है सी डब्ल्यू, जो कि पता है वैल्यू कितना होता है, वन, है ना, राइट। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, वन, इजंट इट, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, याद आया, ओके। या तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं वन किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, डजेंट मैटर, ओके। तो सपोज वाटर का टेम्परेचर है टी वन फॉर डब्ल्यू, ओके, अब हीट एक्सचेंज होगा। अगर पानी में आप गरम गरम ऑब्जेक्ट डालोगे तो क्या होगा, पानी गरम होगा, तो सपोज पानी का टेम्परेचर अब हो गया है टी टू, राइट, तो कुछ तो डिफरेंस निकलेगा, ओके। तो सपोज ये है डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, टी टू माइनस टी वन, यहाँ पे डेल्टा टी ऑब्जेक्ट के लिए टी वन माइनस टी टू। और सर इसमें टी वन माइनस टी टू क्यों है, अरे भाई टी वन बड़ा था ना, राइट, याद है डेल्टा का मतलब, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, बड़ा माइनस छोटा, बिगर माइनस स्मॉलर, ओके। ऑब्जेक्ट गर्म था, ओके, ऑब्जेक्ट एकदम गर्म है, उसका पुराना टेम्परेचर है टी वन, जब मैंने उसको ठंडे पानी में डाल दिया, है ना, तो उसका टेम्परेचर कम हुआ होगा, तो टी वन बड़ा हुआ, टी टू छोटा हुआ, तो दैट्स वाई डेल्टा टी फॉर ऑब्जेक्ट
विल बी टी वन माइनस टी टू। वाटर के केस में और कैलोरी मीटर के केस में उल्टा होने वाला है। कैलोरी मीटर और वाटर का टेम्परेचर था कम, उसमें मैंने डाला गरम गरम ऑब्जेक्ट, ओके, तो इनके टेम्परेचर बड़े होंगे। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम हुआ रहेगा तो इनके टेम्परेचर बड़े होंगे, राइट। इनके लिए डेल्टा टी जो होगा वो होगा टी टू माइनस टी वन, ओके। अब कैलोरी मीटर का भी देख लेते हैं, ओके। सो सपोज मास ऑफ द कैलोरी मीटर इज नोन, स्पेसिफिक हीट फॉर कैलोरी मीटर इज नोन, ओके। कॉपर का होता है तो 0.1 समथिंग होगा। टी वन फॉर कैलोरी मीटर हमको पता है। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, कैलोरी मीटर का टी वन और वाटर का टी वन हमेशा मैच करेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर आई गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर, देन द टेम्परेचर ऑफ द ग्लास एंड टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर सम टाइम विल बी सेम, इजंट इट, है ना। सो वैसा, और ये सपोज टी टू है कैलोरी मीटर के लिए, तो इसमें डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इजंट इट, सही है। अच्छा मैं और एक आपको चीज बताता हूँ कि लास्ट में फाइनल जो टी टू होगा ना वो तीनों का सेम होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टी टू जो है ना तीनों के लिए सेम है, बताओ कैसे। हॉट ऑब्जेक्ट पानी में डाला, राइट, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट ने अपना हीट लूज किया, कोल्ड ऑब्जेक्ट ने हीट लिया। कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन थे, कैलोरी मीटर और वाटर, उन्होंने हीट लिया, राइट। तो पता है ना तब तक ये हीट देना लेना चालू रहेगा जब तक के सेम टेम्परेचर ना हो जाए, तो ये लास्ट वाला टेम्परेचर सेम रहेगा और स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर इस लिक्विड का और कैलोरी मीटर का सेम रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, ओके। आप सोचो कि इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं ना मुझे पता है और कौन सी चीज़ मुझे नहीं पता है। देखो जो जो मुझे पता है मैं उसके सामने ग्रीन टिक कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर, मास ऑफ कैलोरी मीटर मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। स्टार्टिंग के टेम्परेचर मुझे पता है, एंडिंग का टेम्परेचर तो भाई मैं देख लूँगा। मास ऑफ वाटर मुझे पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मुझे पता है, स्टार्टिंग के और एंडिंग के टेम्परेचर मुझे पता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे नहीं पता। अरे भाई मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ये तो मेजर करना है, इसका स्टार्टिंग का टेम्परेचर मुझे पता है, एंडिंग का तो पता है, राइट। तो जो एक अननोन है वो कौन है, ये। यहाँ तक सब लोग हो मेरे साथ, अगर हो तो यस लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज हमको क्या सिखाता है, पोहे जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, हीट लॉस्ट बाय दैट हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू गेन्ड बाय वाटर विच इज इन द कैलोरी मीटर प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरी मीटर, इजंट इट, सही है। तो हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट को हम लोग पकड़ते हैं क्यू, इसको पकड़ लेते हैं क्यू वन, इसको पकड़ लेते हैं क्यू टू। अब क्यू का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तुमको, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है, राइट, ओके। सो यहाँ पे आएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेल्टा टी फॉर द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आएगा मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी ऑफ वाटर, इजंट इट, प्लस Q2 के जगह पे क्या आएगा, मास ऑफ कैलोरी मीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर इंटू डेल्टा टी फॉर कैलोरी मीटर, इजंट इट, ठीक है। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, ओके, इफ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला आई विल गेट दिस विच इज रिक्वायर्ड, इजंट इट, ठीक है। सो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है मिक्सिंग मेथड या कैलोरी मीटर यूज करके किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट का, जिसका हम लोग को स्पेसिफिक हीट पता नहीं है, उसका हम लोग स्पेसिफिक हीट पता कर सकते हैं, ठीक है। सो याद रखना इसमें नॉर्मल एकदम चिंदी सा प्रिंसिपल क्या यूज किया हम लोग ने, पोहे, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट लॉस्ट बाय दैट ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड हीट गेन्ड बाय कैलोरी मीटर। सोचो दिमाग लगाओ, अगर तुम लोग ने कोई ठंडी चीज इसमें डाल दी तो, सपोज बर्फ डाल दिया तो, ओके, सपोज मैंने बर्फ डाल दिया यहाँ पे एक लिक्विड और कैलोरी मीटर में, तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, हीट गेन्ड बाय दैट आइस क्यू
इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर क्यू वन प्लस हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर। फंडा सेम है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, गर्म वाला ऑब्जेक्ट ठंडा होगा, ठंडा वाला गर्म होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। ओके सो आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा याद है ना ये कि एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट हम लोग शुरू करेंगे, टेम्परेचर वन फॉर वाटर विल बी इक्वल टू टेम्परेचर वन फॉर कैलोरीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही इसमें है ना, कि कैलोरीमीटर के अंदर ही तो था ये लिक्विड, इजेंट इट, ठीक है, वाटर या लिक्विड कुछ भी बोलो। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट टी टू ऑब्जेक्ट का, टी टू वाटर का और टी टू कैलोरीमीटर का सेम होगा, बिकॉज पोहे हो गया यहाँ पे। अब तो तुमको समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहिए तो न्यूमेरिकल्स के टाइम पे आपको काम आएगी। सो क्वेश्चन इज दैट हमारे पास एक कैलोरीमीटर लिक्विड और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या क्या है। देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है आइस, मेरे पास है एक लिक्विड और मेरे पास है कैलोरीमीटर, और इस कैलोरीमीटर में मैंने ये लिक्विड को डाला है। लिक्विड है मेरे पास 250 ग्राम्स, कैलोरीमीटर मेरा 100 ग्राम का है और आइस में डालने वाला हूँ लास्ट में 10 ग्राम्स, तो ये हो गया भाई मेरे मासेस। स्टार्टिंग का टेम्परेचर आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड है 30 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, ठीक है, और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर उन्होंने दिया नहीं है, क्या होगा बताओ? याद है अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट टी वन फॉर द लिक्विड एंड टी वन फॉर द कैलोरीमीटर इज सेम, सो ये 30 डिग्री बिंदास लिख देना है, ओके, दिया नहीं है याद रखना है, ठीक है, सेम होता है। टी टू क्या होता है? टी टू, अरे भाई टी टू क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, सबका सेम ही होता है, सेम फॉर ऑल, इजंट इट, ओके, टी टू सबके लिए सेम ही रहेगा और यही फाइंड करना है हमको, ओके, एक्चुअली फाइंड क्या करना है, टू फाइंड इज व्हाट? टू फाइंड इज फाइनल टेम्परेचर, ओके, लेट दैट बी टी, ठीक है। अच्छा चलो डेल्टा टी करते हैं, अभी डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा टी मतलब बड़ा माइनस छोटा। अब आइस को डाल रहा हूं मैं लिक्विड में, तो आइस का टेम्परेचर पहले से कम है, वो उल्टा टेम्परेचर लेगा, है ना, वो टेम्परेचर लेगा, वो गर्म होगा, ओके, तो इस केस में टी बड़ा है जीरो से, तो टी माइनस जीरो टी। लिक्विड को देखेंगे, लिक्विड का टेम्परेचर अभी 30 है, अब जैसे मैं उसमें आइस डालूंगा तो उसका तो टेम्परेचर कम होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका तो टेम्परेचर कम होगा, तो बड़ा क्या है 30 के टी, 30 टी तो छोटा होगा ना, टेम्परेचर कम हो रहा है उसका, ओके, सो 30 माइनस टी। ऐसे ही यहाँ पे कैलोरीमीटर का पुराना टेम्परेचर 30, आइस डालने के बाद वो कम होगा, तो जो टी का वैल्यू होगा वो स्मॉल है, तो 30 माइनस टी, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा माइनस छोटा वाला कंसेप्ट याद रखो। स्पेसिफिक हीट आइस का कितना है? 1, ठीक है, 1 क्या, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। लिक्विड का दिया हुआ है 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दोनों कैसे सेम हो जाता है, तो आप वो फिर से देख सकते हो। इसका हमको दिया हुआ है 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सर जब किलो कैलोरी में दिया है तो कैलोरी पर ग्राम में क्यों चाहिए? भाई ऊपर देखो ये सब ग्राम है, ये सब ग्राम्स में दिए हुए, इजंट इट,
ओके, क्योंकि ग्राम्स में दिए गए हैं, तो हमको खाली फुकट किलोग्राम में कन्वर्ट क्यों करूं जब मेरे पास एनर्जी ऐसे ही नॉर्मली कैलोरी में भी लिख सकता हूं ना मैं आंसर। सही बात है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सो ये सारा कुछ तो हो गया। अब मुझे पता है एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता है मेरे को? तो मेरे को पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज है ना, मैं इसे डायलॉग भी मार लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, isn't it? है ना? ये क्या चीज़ है? ये है देखो ऐसा, हीट गेन्ड बाय आइस, आइस ने हीट लिया होगा, इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय लिक्विड प्लस हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर। सही है, अच्छे से समझ लो, एकदम मस्त दिमाग में बिठा लो, आगे तब करेंगे जब ये दिमाग में चला जाए। परफेक्टली देख लो गीवन कैसे लिखा है, डेल्टा टी कैसे लिखते हैं, बड़ा माइनस छोटा, कब कौन बड़ा कब कौन छोटा, राइट, नोटेड, ठीक है। अच्छा अब याद है ना तुमको कि फॉर्मूला क्यू का फॉर्मूला क्या है? क्यू के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं पता है? क्यू के हमारे पास देखो क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल, Q इक्वल्स टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ओके। कब कौन सा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो ध्यान से देखना। Q इक्वल्स टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी तब इस्तेमाल करेंगे व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, ओके, बट स्टेट ऑफ मैटर रिमेन सेम, स्टेट ऑफ मैटर रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल याद है लेटेंट हीट वाला चीज, ओके, लेटेंट हीट वाला चीज, वी हैड आइस, हमारे पास आइस है एंड हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, हम लोग जब इसको हीट कर रहे हैं, ओके, तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, याद है इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था। ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ही बना था, इजंट इट? ये हीट लेते जा रहा था, लेते जा रहा था, लेते जा रहा था, इसी हीट को तो हम लोग क्या बोलते थे, लेटेंट हीट, याद आया? ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पिघलने के लिए। और फिर बाद में जब ये पानी बन गया था पूरा, तो पहले ये था आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, अब ये बन गया है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड उसके बाद ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ते गया टिल 100 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाले केस में वाटर का वाटर ही रह गया, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ। अगर ऐसा होता है, स्टेट ऑफ मैटर रिमेन सेम बट ओनली टेम्परेचर चेंजेस, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। बट केस वन के लिए क्या, मतलब यहां से लेके यहां तक के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब ये टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं बट हीट तो लिया जा रहा है, isn't it? हीट तो वो ले रहा है बट टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है ना, हीट ले रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पहला वाला। सो दिस इज फॉर फर्स्ट, दिस इज फॉर सेकेंड, तो फर्स्ट वाला कब यूज करेंगे हम लोग, वेन टेम्परेचर रिमेन सेम, isn't it? When temperature remains same but state of matter changes, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, याद रहेगा? ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो आइस है हमारे पास और आइस को मैं हीट कर रहा हूँ, आइस को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हीट दे रहा हूँ ना, जैसे मैंने कैलोरी मीटर में आइस को डाला, सपोज ये है कैलोरी मीटर अपना, उसमें कुछ लिक्विड है और उसके अंदर मैंने आइस को डाल दिया। अब जैसे मैंने आइस को डाल दिया तो आइस क्या करेगा, आइस इस लिक्विड में से हीट लेगा, ओके, इस कैलोरी मीटर से भी हीट लेगा और इसका खुद का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट, ठीक है। सो अब जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये दो फेसेस में बढ़ेगा, इजंट इट? पहले ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बनेगा, तो उस टेम्परेचर के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल।
और जब एक बार पानी बन जाएगा तब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उस केस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्यू पाने के लिए मुझे इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है फॉर आइस एंड वाटर। ओके, एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग फॉर आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, राइट। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास फिक्स होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये मेरे को लर्न करना है, ये दिया नहीं होगा, ये हमको याद करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहाँ पे कैलोरी मीटर में हम लोग को आइस डाल दिया इसने, तो ये हम लोग को एक्चुअली ट्रिक क्वेश्चन है, ये हमको ट्रिक कर रहा है। तो ये हमको ट्रिक क्या कर रहा है, ये हमको ट्रिक ये कर रहा है दैट हम लोग डायरेक्टली Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लगा देंगे। Q का भी हम लोग मतलब आइस के लिए हम लोग हीट डायरेक्टली सिर्फ ये एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी रहेंगे, हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, राइट। तो ये हम लोग समझते थोड़ा कि इसमें दोनों भी फॉर्मूला यूज होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो Q कैसे निकलेगा, Q फॉर आइस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये Q भी है ना, Q1 प्लस Q2 रहेगा इसमें। Q1 क्या है, m इंटू एल, एंड Q2 क्या है, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ओके, ये सिर्फ हम लोग आइस के लिए कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, आइस के लिए भी m इंटू एल प्लस m इंटू सी इंटू डेल्टा टी दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, सो कितना है हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ द आइस, मास ऑफ द आइस इज 10 ग्राम, L कितना है 80 कैलोरी पर ग्राम है ना, प्लस M कितना है 10, C कितना है 1, डेल्टा T कितना है अपने पास T, राइट। अभी तो थोड़ी देर पहले किया था, सो ये हो जाएगा 800 प्लस 10T। ये किसके लिए है, ये सिर्फ आइस के लिए है। ओके, नाउ Q फॉर आइस इज इक्वल टू Q फॉर कैलोरी मीटर एंड Q फॉर लिक्विड, isn't it? हीट गेन्ड बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय लिक्विड प्लस हीट लॉस्ट बाय कैलोरी मीटर। सही है, ठीक है। सो अब आइस के लिए तो मुझे पता चल गया ये होगा 800 प्लस 10T। ओके, लिक्विड के लिए क्या करना है, लिक्विड के लिए करना है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ओके, m इंटू सी फॉर लिक्विड इंटू डेल्टा टी फॉर लिक्विड प्लस ये m फॉर कैलोरी मीटर इंटू सी फॉर कैलोरी मीटर इंटू डेल्टा टी फॉर कैलोरी मीटर। सो 800 प्लस 10T इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड कितना है 250 इंटू सी कितना है 0.4, डेल्टा टी कितना है याद है ना 30 माइनस T, एम कितना है 100, सी कितना है 0.1 कैलोरी मीटर के लिए, और डेल्टा टी कितना है 30 माइनस T। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, 800 प्लस 10T इक्वल्स टू 250 इंटू 0.4 100 इंटू 30 माइनस T प्लस 100 इंटू 0.1 10 इंटू 30 माइनस T। यहाँ पे देखो ये 30 माइनस T है, इसको कॉमन ले लेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेप में। तो मुझे मिलेगा 800 प्लस 10T इक्वल्स टू 30 माइनस T कॉमन, और अंदर बचेगा 100 प्लस 10। तो ये होगा 800 प्लस 10T इक्वल्स टू ये 100 प्लस 10 कितना 110 और 30 माइनस T ऐसे। सो 800 प्लस 10T इक्वल्स टू 110 इंटू 30 3300 बराबर, और ये 110 इंटू टी हंड्रेड एंड टेन
50, ओके अब ये माइनस है, लेफ्ट साइड में डाल देंगे इसको, 10t ऑलरेडी है प्लस 110t वहाँ पे चला गया, और ये 800 यहाँ पे दिख रहा है, राइट साइड में फेंक देंगे 3300 माइनस 800, तो ये आ जाएगा हम लोग को 2500, और ये होगा 120t, सो t इक्वल्स टू 2500 डिवाइड बाय 120, ये कट होगा, डिवाइड करेंगे 12 2 24, 10 बचेगा, 12 0 0, 12 8 96, 12 3 36, ओके सो टी अप्रॉक्सीमेटली 20.83 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सो इतना आपको टेम्परेचर मिलेगा सबका, ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनल टेम्परेचर, सो हम लोग लिखेंगे द टेम्परेचर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, ओके द फाइनल टेम्परेचर, द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज डन इज 20.83 डिग्री सेल्सियस, ओके या फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 20.83 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा, ये अच्छे से समझ लो, Q इज इक्वल टू एम इन टू एल हमने क्यों लिया, ओके हमने इसके लिए लिया बिकॉज आइस जो है वाटर में कन्वर्ट भी हो रहा है, अगर ये लोग बताते कि आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, आइस वहीं का वहीं है ना, तो हम लोग ये नहीं करते, बट एम इन टू एल हमेशा हमको लेना है जहाँ पे भी फेस चेंज हो, रिमेंबर जब भी फेस चेंज हो एम इन टू एल हमको लेना है, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में और डिटेल में देखेंगे एम इन टू एल कब कब लेते हैं, तो तुमको समझेगा, ये तो पहला वाला है ना, ठीक है, सो डू योर बेस्ट, वॉच दिस अगेन, प्रैक्टिस दिस अगेन वंस मोर, ठीक है, और फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे तो तुमको और बेटर समझ में आएगा।